हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इन थ्री डायमेंशन। लास्ट लेक्चर वन डायमेंशन और टू डायमेंशन पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर थ्री डायमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थ्री डायमेंशन में तीन टाइप होते हैं, इट एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। इट एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, AAAA फॉर्म, ABAB फॉर्म, ABCABC फॉर्म। अब यहां पर आपको समझना जरूरी है AAAA फॉर्म, ABAB फॉर्म मतलब आपके पास लेयर्स है, लेयर्स, ओके, लेयर्स। AAA फॉर्म, ABAB फॉर्म बराबर समझ में आएगा लेयर्स क्या है। देखो यहां पर सीयर, पहला फर्स्ट वन कैपिटल A जिसे मैं बोलता हूं AAAA पैटर्न, सॉलिड ए ए पैटर्न में। तो यहां पर मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये देखो सिया, ठीक है। तो एक लेयर को ए कंसीडर और उसके पीछे सेम सेम लेयर अरेंज है, ओके, तो इसे बोलते हैं ए ए ए पैटर्न, ओके। अब बहुत जन सोच रहे सर क्या बता रहे हैं, प्रॉपरली समझ में ही नहीं आ रहा है। सपोज देयर इज अ स्पीयर, ये सब स्पीयर्स है, ये देखो इस तरह से 1 2 3 4 फाइव, या फिर फोर फोर स्पीयर देता हूं, अच्छा रहेगा एक्सप्लेनेशन करने में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके पीछे और एक लेयर, ओके, एक लेयर उसके पीछे और एक लेयर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चिपके हुए हैं लेयर, मैं सिर्फ इसे दूर दूर दिखा रहा हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये आपका ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, इसके पीछे फिर से सेम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी ए लेयर है, इसके पीछे फिर से ए लेयर। तो अगर मैं देखूं तो इसके बराबर पीछे ए है, दिस वन, तो इसके पीछे ये है, तो ऐसे अरेंजमेंट को ए के पीछे ए, फिर से वैसे ही लेयर ए, ए ए ए ए पैटर्न, तो ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ए ए ए ए पैटर्न, कंटिन्यूअस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर और क्लोज पैकिंग कौन सा है, लास्ट लेक्चर जैसे निकाला था हम लोगों ने, तो वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां के दैट इज सिक्स पार्टिकल्स, ठीक है, देखो बराबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल रहा हूं, यहां के मैं अभी कंसिडरेशन में ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नाइन पार्टिकल्स, 1 2 3, देखो ये तीन, ये तीन, फिर से नीचे तीन, ओके,
टू थ्री, सही है, सामने वाला लेयर ए लेयर वाला, ठीक है, ये आपका ए लेयर है और नीचे और तीन, वन टू एंड थ्री, सही है। अब इधर भी तीन है, देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, सही है, बैक साइड वाले भी, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, सही है। तो इसका यूज क्या है, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, इट इज यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मुझे क्या दिख रहा है कि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, एक पार्टिकल जो है ये सेंटर वाला पार्टिकल है, इसके बाद में एक दो तीन चार, सही है, एक दो ऊपर और नीचे, देखो फिर से एक बार, एक दो तीन और ये चार है ना, और सामने और पीछे भी है, देखो सामने भी है पार्टिकल और पीछे भी पार्टिकल है, एट द फ्रंट साइड एज वेल एज एट द बैक साइड, मतलब यहां पे ए ए ए ए पैटर्न में कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों का सिक्स होगा, ठीक है। अब ये कौन सा टाइप का अरेंजमेंट है, तो मैं यहां पे देखता हूं ये चार पार्टिकल्स और ये चार पार्टिकल्स, देखो बराबर से वन टू थ्री एंड फोर, ये चार पार्टिकल्स, उसके पीछे ये चार पार्टिकल्स, देखो वन टू थ्री एंड फोर, रिपीट करता हूं, ये चार पार्टिकल्स, एक दो तीन चार और ये चार, एक दो तीन चार, उसके पीछे परफेक्टली, तो मैं अगर इन्हें कनेक्ट करता हूं, ओके, तो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे अरेंज है, इसीलिए इसे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अरे को पता भी है कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो उसे बोलते हैं प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये जो पैटर्न है ये सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पैटर्न है, ठीक है। अब ये हुआ ए ए ए ए पैटर्न, अब देख लेते हैं ए बी पैटर्न, पहला पैटर्न खत्म हुआ ए ए ए ए पैटर्न, अब जा रहे हैं ए बी पैटर्न के पास, सेकंड कैपिटल बी में ए बी पैटर्न, ओके, ए बी पैटर्न मतलब पहले लेयर को ए की तरह कंसीडर करोगे और दूसरा लेयर बी होगा, ठीक है। अब मैं क्लियरली बोलता हूं, ड्रॉ करते वक्त ऐसा लगेगा कि दो सब लेयर सेम ही है, एक सिंगल लेयर को मैं ए कंसीडर करूंगा, देखो ऐसा होगा, स्पीयर से बच रहोगे सबके सब स्पीयर से, इस लेयर को मैं ए कंसीडर करूंगा, ठीक है, इसके पीछे
ये लेयर को मैं बी कंसीडर करूंगा। बहुत जन बोलते हैं सर सेम ही है, अगर मैं ऊपर का हिस्सा हटा दूं तो सेम ही दिखेगा। हाँ बच्चे लोग सेम दिखेगा, लेकिन अगर उसे अरेंजमेंट करते वक्त, मतलब ये ए लेयर है, ये भी ए लेयर कंसीडर करो ए, लेकिन ऐसा करने के बजाय ऐसा थोड़ा सा ट्विस्टिंग में डालो, ऐसा करें ऐसा थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो, तो इसका मतलब उसका अरेंजमेंट चेंज हो गया थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, मैं दिखाता हूं थोड़ा सा, और फिर से सेम पैटर्न, तो मैं यहां पे क्या देखूंगा बच्चे लोग, समस्या तो ये जो पोजीशन है प्रॉपरली देखो, अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, यहां पर ये जो है इसके आजू बाजू में 6 पार्टिकल्स है। ठीक है, इन वॉइड्स, ये जो वॉइड है इन जगहों पे, ये 3 वॉइड्स है। देखो मैं यहां पे डार्कन कर देता हूं, 1 2 और ये 3, ये 3 वॉइड्स की जगह पे मैं 3 पार्टिकल को अरेंज करूंगा ट्रायंगुलर फॉर्म में। मतलब ये जो है इधर, ये दूसरा वाला पार्टिकल यहां पर, और ये तीसरा वाला पार्टिकल यहां पर। ठीक है, इस वॉइड मतलब क्या किया बच्चों से, अब ये देखो डायग्राम बड़ा ड्रॉ करता हूं। इस वॉइड पर मैंने एक पार्टिकल रखा, इस वॉइड पर एक पार्टिकल रखा, और इस वॉइड पर एक पार्टिकल, दिख रहा है बच्चों बराबर से, दिस वन पीछे वाला ए लेयर उसके ऊपर यहां पे, मतलब इसका अरेंजमेंट इस तरह से होगा कुछ 2 3 4 5 1। यहां पर तो अगर मैं इस पार्टिकल को इसके ऊपर अरेंज कर रहा हूं तो इस मैनर में देखो बराबर से, दिस वन इट इज इन दिस मैनर, ये वॉइड के ऊपर दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल है इस वॉइड के ऊपर एक, अब इस वॉइड के ऊपर एक, इस वॉइड के ऊपर एक, इस वॉइड के ऊपर एक, समझ में आ रहा होगा बराबर से। अब मैं क्या करता हूं, इस वॉइड के ऊपर एक, दिख रहा है बराबर से, दिस वन इस वॉइड के ऊपर एक, ये रहा वॉइड। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस होता है बच्चों, मैंने पहले भी बता के रखा है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, तो अगर मैं बराबर देख रहा हूं, ये देखो पीछे हेक्सागोन बनने वाला है, देखो बराबर से पीछे हेक्सागोन बनने वाला है, 1 2 3 4 5 6, सही है। अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूं, तो एक हेक्सागोन बनेगा, और इस हेक्सागोन के ऊपर 3 पार्टिकल बैठे हुए दिख रहे हैं, 1 2 3, दिख रहा है बच्चे बराबर से। ठीक है, देखो 3 पार्टिकल, 1 2 3, अगर मैं इनके सेंटर्स को कनेक्ट करता हूं हेक्सागोन के ऊपर 3 पार्टिकल बैठे हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा जिगजैग हुआ है डायग्राम, बट कंसेप्ट समझो। ओके, अब मैं क्या देख रहा हूं यहां पर, दैट इज तो यहां पर हेक्सागोन है, ये रहा, सही है, उसके ऊपर ये ट्राइंगुलर वॉइड, वॉइड के ऊपर 3 पार्टिकल बैठे ट्राइंगुलर फॉर्म में, 1
दो और ये तीन। अब इस ट्राइंगल के ऊपर फिर से ये हेक्सागोन देखो, दिख रहा है अच्छे से? इस ट्राइंगल के ऊपर मतलब ये पार्टिकल फिर से इनवॉइड्स में बैठा हुआ है, एक दो तीन, ठीक है? मतलब यहां पे एक दो तीन, मतलब ए लेयर बी लेयर, अभी बी लेयर के ऊपर फिर से ए लेयर, ट्राइंगल के ऊपर हेक्सागोन, इस बार ट्राइंगल के ऊपर हेक्सागोन, ए लेयर बी लेयर एंड ए लेयर। अगर मैं इसका अरेंजमेंट ऐसा करता हूं, ये आप लोगों का ए लेयर, उसके ऊपर ट्राइंगुलर पार्टिकल्स, बी लेयर उसके ऊपर फिर से हेक्सागोनल पार्टिकल, एरिया, सही है? अब यहां पर अगर इसको मैं एक्सपांडेड व्यू देता हूं, एक्सपांडेड पहले स्ट्रक्चर का नाम फिर कोऑर्डिनेशन नंबर इस बार निकालेंगे, इसको एक्सपांडेड व्यू देता हूं तो ये एक्सपांडेड व्यू इस तरह से होगा, एक दो तीन चार पांच और छह, बीच में एक पार्टिकल, देखो छह और बीच में एक पार्टिकल, ये आप लोगों का ए लेयर है, बी लेयर बीच में एक दो तीन, बी लेयर और ए अगेन हेक्सागोनल, एक दो तीन चार पांच और ये छह और सेंटर पे एक पार्टिकल, सही है? इसे कनेक्ट करता हूं, देख लो, इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में निकाल रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इधर ए है, इधर बी है, इधर ए है, नीचे भी बी रहेगा, ऊपर भी बी रहेगा, मतलब इधर ट्राइंगुलर पार्टिकल्स फिर से प्रेजेंट होंगे बी फॉर्म में, है ना? ए बी ऊपर भी बी, मतलब इससे ये सब जॉइंट है बच्चे लोग, थ्री डायमेंशन लेयर्स मैंने बोला था जॉइंट है, तो इसके बाजू में छह, ऊपर तीन और नीचे तीन, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 12। एक बार फिर से चेक करो, इसके बाजू में छह, एक दो तीन चार पांच छह, ऊपर तीन, ओके जॉइंट है, नीचे भी तीन जॉइंट है, मतलब तीन और तीन छह और इस बाजू के छह 12, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 है, ओके? इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन है एबीसी, एबीसी पैटर्न, एबीसी एबीसी पैटर्न, एबीसी एबीसी पैटर्न में पहले लेयर को ए, सेकेंड लेयर को बी, थर्ड लेयर को सी, ओके? फिर से चौथा लेयर जो होगा वो ए होगा। अब जरा बराबर देखो, यहां पे चार लेयर्स ड्रॉ करने वाला हूं, चारों दिखने के लिए सेम होंगे लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है,
ये आपका ए लेयर है, ठीक है। इसके पीछे सेम ही ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका बी लेयर है, ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, दिखने के लिए सेम लग रहा था। इसके पहले भी जो लेयर लग रहा था वो सेम ही लग रहा था, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा चेंज किया ज़िगज़ैग ऊपर नीचे, तो वैसे यहां पर भी ये आपका सी लेयर है और फिर से आपका ए लेयर। This will be again your area. तो अरेंजमेंट कैसा है? तो इस हेक्सागोन, देखो फिर से एक बार, ये आपका हेक्सागोन, ठीक है। इसके ऊपर ये ट्रायंगुलर वॉइड बैठ, वॉइड के ऊपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बैठे हैं, मतलब ओके, इसके ऊपर इस तरह से एक दो और ये तीन ट्राइंगुलर फॉर्म में, मतलब ये जो लेयर है फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर, थोड़ा सा ऐसा ज़िगज़ैग कर दोगे तो ऊपर नीचे की वजह से वो गैप में बैठ जाएगा, गैप में प्रॉपरली, ठीक है। अब इसी लेयर को थोड़ा सा उल्टा अरेंजमेंट कर दूं, थोड़ा सा उल्टा, ठीक है। देखो इसके ऊपर ये ट्राइंगुलर फॉर्म में है, देखो अच्छे से, ओके दिस वन, ये देखो, या फिर यहां पे इधर ले लेता हूं, अच्छा रहेगा, एक दो और ये तीन, इट विल बी बेस्ट वन। अपोजिट ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल सीधा ट्राइंगल है, ये अपोजिट ट्राइंगल है, सही है। मतलब तुमने क्या किया, ये ऐसा लिया, ये थोड़ा सा ज़िगज़ैग, इसी चीज को ये वाले लेयर को थोड़ा नीचे लेने के बाद दूसरा और एक लेयर अरेंज किया उसी तरह से, लेकिन उल्टा, तीसरा लेयर, पहला लेयर ऐसा, दूसरा लेयर ऐसा, थोड़ा सा नीचे, तीसरा लेयर इस लेयर की तरह ही उल्टा कर दिया, अपोजिट, सही है। तो इस लेयर को हम लोग सी लेयर बोलेंगे, ठीक है। अब मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से देखो, ये बराबर एम्प्टी स्पेस में, जैसे पहले अभी लिया था ये वॉइड में, ये वॉइड में दिस वन, ये पहला वॉइड, ये दूसरा वॉइड और ये तीसरा वॉइड। देखो हेक्सागन के एक दो और तीन वॉइड में बैठा हुआ है। अब वहां पे जब मैं देखता हूं तो ये वॉइड है, ये वॉइड एक दो तीन, तीनों वॉइड्स है। अब ये जो वॉइड है, ठीक है, इसके सेंटर पे है और इसका जो सेंटर है वो इनका इंटरसेक्शन है, देखो सही है। मतलब इनके जो सेंटर्स है वो इनका इंटरसेक्शन है, एक दो तीन, ये तीनों पार्टिकल के इंटरसेक्शन, देखो अच्छे से, इनके सेंटर जो है, मतलब ये सर्कल इस तरह से एक, अच्छे से ड्रॉ करते हैं, सेम साइज का ट्राई करता हूं ड्रॉ करने का, दो तीन,
इनके सेंटर जो है इनके इंटरसेक्शन है, सही है? देखो अपोजिट ट्राइंगल्स, ओके, तो इनके सेंटर जो है इनके इंटरसेक्शन, एक दो तीन, दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, सही है? फिर से वहां पे एग्जाम्पल, ये तीनों पॉइंट्स कहां से, इस जगह से स्टार्ट हुए हैं, तो उधर भी उसी जगह पे जाएंगे, देखो अच्छे से, दिस वन, इसे बोलते हैं बच्चे लोग एबीसी एबीसी पैटर्न, इसे क्या बोलते हैं एबीसी एबीसी, कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर कौन सा ये दिखाना बाकी है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बाकी है इसमें, ठीक है? पहला लेयर ए, दूसरा लेयर भी सेम ही लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो ना तो वो गैप में बैठ जाएगा, तो बी लेयर बन जाता है, और इसी बी लेयर को मैं थोड़ा उल्टा करके रख दूं, तो देखो ये ट्राइंगल सीधा बैठ रहा है, तो ये उल्टा ट्राइंगल बैठ रहा है यहां पर, सही है? तो उसे बोलते हैं सी लेयर, और फिर से सेम ही कंसेप्ट आया, देखो फिर से यहां पे ए लेयर हेक्सागन की तरह ही आया, सही है? तो अब यहां पे ये जो है ए लेयर, ये ट्राइंगल फॉर्म में बी लेयर, फिर सी लेयर, सही है ना? अपोजिट ट्राइंगल एक दो तीन, ओके, एंड देन अगेन हेक्सागन, इसे मैं ए लेयर बोलता हूं, इसे बी लेयर, इसे सी लेयर और इसे ए लेयर। अब इसका सेकेंड फॉर्म ड्रॉ करता हूं, देखो बराबर से स्ट्रक्चर जानना है, कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है, प्रॉपरली देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, टाइम पास नहीं करते बेटा, ए लेयर के नीचे बी लेयर या फिर सी लेयर होगा, ठीक है? सब सी लेयर, तो इसके बाजू में 6, ऊपर 3 और नीचे 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया, फिर से एक बार देखो, इसके बाजू में 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर और नीचे 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया, सही है? तो अब चलो ये ए लेयर का मैं सेंटर पार्टिकल पकड़ रहा हूं, सेंटर ए लेयर, बी लेयर का ट्रायंगल या फिर सी लेयर का ट्रायंगल, बी लेयर का भी ट्रायंगल, और ए लेयर का फिर से सेंटर पार्टिकल, ठीक है? इसके बारे में याद रख लो बच्चे लोग, ये मैं तुम्हें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड का रिलेशन बताने में यूज करूंगा, ठीक है? बहुत डिटेल में जाना है उसमें, तो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल इसी के ऊपर से आता है, दो टेट्राहेड्रल मतलब एक ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं, दो टेट्राहेड्रल जब जॉइंट करते हो तो एक ऑक्टाहेड्रल से आता है, ठीक है? ये सिर्फ याद रखो। अब चलो यहां पर ये होने के बाद मेरा ए लेयर फिर से यहां पर लेता हूं, ए लेयर, ओके, देन सी लेयर, ये रहा सी लेयर, 1 2 3 है, सही है ना बच्चे लोग? ओके, ये ए लेयर 3 है, 1 2 3, नीचे और 2 ले लेता हूं, आजू बाजू में है देख सकते हो, और ऊपर भी होता ही है, पार्टिकल्स बहुत से होते हैं सॉलिड्स में, ठीक है? सिमिलरली इधर भी, ये तुम्हारा सी लेयर, ये तुम्हारा बी लेयर, बी लेयर ये 3 है, सही है? 1 2 3, ऊपर 2 है देखो बाजू बाजू में, तो वो 2 लेता हूं, 1 2 3, ये बाजू बाजू में, और नीचे वाला 1 लेता हूं यहां पर, और फिर से ए लेयर का सेंटर पार्टिकल, ओके, ये बी ए सी बी ए सी बी ए, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो आ गया, स्ट्रक्चर अच्छे से दिखा रहा हूं,
मैं रिपीट करता हूं, इसका स्ट्रक्चर जो है दिखाने के बाद टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा एक्सप्लेन करने के लिए और ज्यादा डिटेल में। तो ये रहा ए सेंटर, सी एक दो तीन चार पांच छह, सिक्स पार्टिकल्स। देखो ये ए लेयर है, ये सी लेयर है, ठीक है, सी लेयर में मैंने छह पार्टिकल लिए। बी लेयर उल्टा ट्राइंगल फॉर्म में है, एक दो तीन चार पांच और यहां पर समवेयर ओवर हियर सिक्स, छह हो गए, सही है। अब ये होने के बाद एक ए बचा, ये रहा, ये ए लेयर, ये बी लेयर, सॉरी ये ए लेयर, ये सी लेयर, ये बी लेयर और ये ए लेयर। तो अब मैं इसे कनेक्ट करता हूं, देखो स्ट्रक्चर किसकी तरह लग रहा है बच्चे, देखो बराबर से एक क्यूब बन गया है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर, जिसमें अपर फेस लोअर फेस, देखो अपर फेस पे है पार्टिकल, कॉर्नर्स पे तो है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ कॉर्नर और ऊपर का फेस, नीचे का फेस, साइड के दो फेस, पीछे और सामने, इसे बोलते हैं सी सी पी, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसे बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर एफ सी सी। रिमेंबर फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रिलेशन बताने में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, भूलना नहीं बच्चों, ठीक है। इसके पहले दिखाया भी था मैंने कि कौन सा होने वाला है, तो वो प्रॉपरली याद रखना, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो अगर ये समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।